हेलो साथियों, कैसे हैं आप? सभी मैं आपका भाई आपका दोस्त स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से टॉपर्स तक यूट्यूब चैनल पर। आज के इस लेक्चर में स्टार्ट करेंगे दोस्तों एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चंस को। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस हो गए थे आपके फर्स्ट लेक्चर में, उसमें आप उसको आप जरूर देखें। इंट्रोडक्शन पार्ट है, उसको भी आप जरूर देखें। ठीक है मेरे भाई, उससे आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत ही मदद मिलेगी। देखो दोस्तों, आज स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेशन बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड के क्वेश्चन नंबर 5 से। 4 तक आपके हो रखे हैं, इंट्रो पार्ट भी हो रखा है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखा दोस्तों, बेसिक चीज़ें आपको फर्स्ट लेक्चर में ही मिलेंगी, क्योंकि बार बार बेसिक थोड़ी बताया जाता है। एक बार बेसिक हो गया, इसके बाद क्वेश्चन सारे लगाए जाते हैं। ठीक है, तो आप उस मतलब जो पार्ट है, इसके बाद लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, उसको आप जरूर देखें, उससे आपको हेल्प मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों कहता है कि साइन ए एक्स प्लस का, अभी देखो आराम से समझते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। साइन ए एक्स प्लस बी इंटू में कॉस ए एक्स प्लस का बी, जैसा कि मैंने आपसे कहा था, इसमें क्या करते हैं कि एक को लेट करते हैं। जैसे इसमें क्या रहेंगे ना, कि जैसे ऐसे क्वेश्चन आपका बना रहेगा। एक देखो, कभी कोई पूछता है कि यहाँ पर टी क्यों लेट करते हैं। ठीक है, देखो टी, या फिर पूछते हैं कि टी की जगह वी भी लेट कर सकते हैं। दोस्तों देखो, सब्स्टिट्यूट पार्ट है कि आप मतलब इस एक को चेंज करो दूसरे फॉर्म में। ठीक है, जैसे यहाँ पर क्या एक्स के फॉर्म में, मान लो अगर ये एक्स के फॉर्म में, ये भी एक्स के फॉर्म में, जो यहाँ पर जो चर हैं, तो इनको किसी भी तरह से सब्स्टिट्यूट करो, बदल दो। ठीक है, तो आप टी भी लेट कर सकते हैं, वी भी लेट कर सकते हैं, मतलब वॉवेल जितने या कॉन्स्टेंट कॉन्सोनेंट हैं उन सभी को आप कुछ भी लेट करते हैं, ए ई आई ओ यू या ए टू जेड कुछ भी। ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये क्वेश्चन मैं वी लेट करके बता देता हूँ, इसके बाद फिर हम क्वेश्चंस करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो क्वेश्चन है साइन ए एक्स प्लस का बी, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं। माना आई इज इक्वल्स टू, आई क्या होता है इंटीग्रेशन का सिंबल, ये सिंबल लगाते हैं इंटीग्रेशन का, साइन ए एक्स प्लस का बी इंटू में कॉस ए एक्स प्लस का बी। ठीक है मेरे भाई, अब यहाँ पर बात आती है, मैं साइन ए एक्स प्लस का बी को टी मानूँ, मतलब लेट करूँ, जो भी टी या बी आप जो भी लेट करना चाहते हैं एस। ठीक है, या कॉस ए एक्स प्लस बी को मैं लेट करता हूँ। तो देखना दोस्तों, अगर आप कॉस को अगर लेट करते हैं, तो आप जानते हैं कि जब आप डिफ्रेंशिएट करेंगे कॉस का, तो माइनस के साथ आ जाएगा। ठीक है, और माइनस के साथ जब आएगा तो बाद में दिक्कत करेगा। ठीक है दोस्त, तो आप लेट क्या करें, साइन लेट करें, आराम से कॉस आ जाएगा डिफ्रेंशिएशन में। देखना कैसे, मान लेते हैं, माना टी इज इक्वल टू, चलिए पिछले क्वेश्चन में मैं टी मान रहा था, इसमें वी मान लेता हूँ। ठीक है, इसमें मैं वी लेट कर लेता हूँ, वी इज इक्वल टू क्या है, साइन ए एक्स प्लस का बी। आप कुछ भी लेट करें, अगर आप वी लेट करेंगे तो वी के मतलब चेंज हो जाए, मतलब बी के रूप में सभी परिवर्तित हो जाएंगे, जो एक्स है वो वी के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, देखना, तो आप जब डिफ्रेंशिएट करते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, तो डी वी अपॉन में डी एक्स हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा कॉस ए एक्स प्लस का बी, और जब आप डिफ्रेंशिएट करेंगे ए एक्स प्लस का बी को, तो दोस्तों देखना, ए तो कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे ए इंटू में वन। ठीक है, और बी का जब करेंगे तो ये हो जाएगा आपका जीरो। तो टोटल आपका क्या आ गया, डी वी अपॉन में डी एक्स दोस्तों आपका आता है कॉस ए एक्स प्लस का बी, और ए का इंटू में ए होगा तो ए ही हो जाएगा, तो ए आप आगे लिख लें, जीरो से कोई मतलब नहीं है। आप जब फाइंड करेंगे कि इसकी वैल्यू, डी एक्स की वैल्यू आपको फाइंड करना है, तो ये हो जाएगा डी वी अपॉन में डी एक्स को फाइंड करने के लिए सारी वैल्यू नीचे आ जाएगी, तो ए कॉस ए एक्स प्लस का बी इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, डी एक्स हो जाएगा। डी एक्स की वैल्यू आपको फाइंड पता चली गई, हर एक क्वेश्चन में आपको डी एक्स की वैल्यू फाइंड करनी रहती है। ठीक है, अगर आप टी लेट करेंगे और सब्स्टिट्यूशन मेथड है, तो टी आपको या वी कुछ भी लेट करना पड़ेगा, तो उसी के फॉर्म में रिस्पेक्ट में आपको डिफ्रेंशिएट भी करना है एक्स के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ से डी एक्स की वैल्यू फाइंड हो गई। अच्छा, यहाँ पर तो डी एक्स रहता है ना, जब इंटीग्रेशन सिंबल लगाते हैं तो डी एक्स यहाँ पर रहता है, आप कहते हैं बिल्कुल। तो देखो आई इज इक्वल टू क्या बनता है, समझना, आपने लेट किसे किया था, साइन ए एक्स प्लस का बी को क्या लेट किया था, वी, तो इसको आप वी अपन ऐसे लिख दें, वी लिख दें। ठीक है, बसता आपका है कॉस ए एक्स प्लस का बी, तो कॉस ए एक्स प्लस बी अभी कुछ नहीं हुआ, तो अभी आप ऐसे लिखें कॉस ए एक्स प्लस का बी इंटू में जो डी एक्स होता है, देखो डी एक्स की वैल्यू आपने क्या लिखा, डी वी अपॉन में ए कॉस ए एक्स प्लस का बी, तो लिख दें यहाँ पर, देखो डी वी अपॉन में ए कॉस ए एक्स प्लस का वी। ठीक है दोस्त, देखो ए कॉस कॉस ए एक्स प्लस का बी से कॉस ए एक्स प्लस का बी कैंसिल हो जाएगा, देखो जो आपका सब्स्टिट्यूट हुआ वी अपॉन में ए, देखो यहाँ पर ए भी था, इंटू में डी वी, अब ए को आप बाहर ले लें, ए को आप मतलब वन बाई ए बाहर हो जाएगा आपका, तो आएगा क्या, वी इंटू में डी वी।
अगर टी के रिस्पेक्ट में मतलब लेते हैं, अगर टी अगर आप लेट करते हो तो यहाँ पर टी इंटू में डी टी हो जाता, और कोई अगर आप लेते हैं मतलब मान लो एस लेते हो तो यहाँ पर एस इंटू में डी एस हो जाता। तो कोई भी चीज़ आप लेट कर सकते हैं, हम मान ही तो रहे हैं, मतलब मानना का मतलब कोई भी चीज़ आप मान सकते हैं, ठीक है। तो वी यहाँ पर आपकी ये क्वेश्चन वी से मैंने बता दिया, पिछले क्वेश्चन में मैंने टी लेकर किया था तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में बच्चे पूछते हैं इसलिए मैंने क्या किया इसको बता दिया। देखना दोस्तों अब यहाँ पर क्या आई इज इक्वल्स टू, तो आपका ऐसे ही रहेगा वन बाई ए। आप जब डिफरेंशिएट देखो यहाँ पर फार्मूला क्या लगेगा, एक्स की पावर एन वाला डिफरेंशिएशन सॉरी इंटीग्रेशन में, ठीक है। एक्स की पावर हम तो क्या हो जाएगा, एक्स की पावर एन प्लस का वन अपॉन में एन प्लस का वन, यही होगा। तो देखना दोस्तों वी की पावर क्या हो जाएगा, एक पहले से वी की पावर वन, तो वन प्लस का वन टू अपॉन में कितना हो जाएगा टू, और प्लस का एक कॉन्स्टेंट आएगा सी। तो आई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा दोस्तों, वन बाई ए पहले से ही है आपका। देखो v को आपने क्या लेट किया था, साइन ए एक्स प्लस का भी, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों साइन स्क्वायर ए एक्स प्लस का भी, यही तो होगा। v की जगह हमने रख दिया v की वैल्यू अपॉन में टू और एक कांस्टेंट प्लस का c। देखना दोस्तों क्वेश्चन आपका यहाँ भी सही है, ठीक है, मतलब आंसर जो आपका आ रहा है यहाँ भी सही है, या थोड़ा सा आप इसको ऐसे लिख सकते हैं आई जी क्वेश्चन थोड़ा सा और सिस्टमेटिक वे में, वन बाई टू ए साइन स्क्वायर ए एक्स प्लस का बी, और यहाँ पर प्लस का सी हो गया। क्वेश्चन देखो आंसर आपका यहाँ भी सही है, लेकिन आपके बुक में आंसर ये दे नहीं रहा है, ठीक है, आंसर ये दे नहीं रहा। आप देखो समझो क्यों नहीं दे रहा, आप जानते हैं कॉस टू थीटा का फॉर्मूला एक साइन के रिस्पेक्ट में क्या होता है, वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, ये होता है, ठीक है। एक होता है कॉस टू थीटा का टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का वन, और अगर साइन के फॉर्मेट में देखेंगे तो कॉस टू थीटा इज इक्वल टू वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा। अगर आप साइन इधर टू साइन स्क्वायर थीटा रखें, देखना इसको मैंने इधर लेकर आया माइनस का था तो इसको इधर लेकर आया इक्वल के तो प्लस का हो जाएगा, इधर वन है ये प्लस का था उधर जाएगा इक्वल के तो माइनस हो जाएगा, माइनस का कॉस टू थीटा हो जाएगा, ठीक है। अगर आप साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं दोस्तों तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, वन माइनस कॉस टू थीटा बाई टू, ठीक है। बस यही चीज़ यहाँ पर आपको रखना है। आंसर हालांकि यहाँ भी सही है लेकिन आपके बुक में ये आ नहीं रहा है आंसर, ठीक है, जो आंसर सीट है। तो देखना दोस्तों क्या हो जाएगा यहाँ पर, आई इज इक्वल टू तो ऐसे ही रहेगा वन बाई टू ए, आप ऐसे ही रखें अभी टू ए आप ऐसे रखें, साइन स्क्वायर थीटा इसको अभी थीटा लेट करें, इन इतने को क्या लिखें थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, वन माइनस कॉस टू थीटा अपॉन में टू। आइए यहाँ पर वन माइनस कॉस टू, अच्छा अब थीटा की जगह क्या है ए एक्स प्लस का बी, तो टू ए एक्स प्लस का बी अपॉन में टू, और कांस्टेंट सी पहले से तो कांस्टेंट सी लगा दे, कांस्टेंट का बहुत वैल्यू भी महत्व होता है, अभी आप देखेंगे यहाँ पर इस क्वेश्चन में कांस्टेंट का जो रोल फिगर होता है उसको आप देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आई इज इक्वल्स टू देखना दोस्तों यहाँ पर टू है, आगे आएगा टू टू जा फोर, तो वन बाई कितना हो जाएगा फोर ए, वन बाई फोर ए बाहर ले लिया, बचा क्या आपका वन माइनस कॉस टू ए एक्स प्लस का बी, ए एक्स प्लस का बी प्लस का सी। अगर आप आंसर यहाँ भी छोड़ेंगे यहाँ भी सही है लेकिन यहाँ भी आपका आंसर दे नहीं रहा, इसको मैं इरेज करता हूँ। देखना तो ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा था, ठीक है, समझने लायक क्वेश्चन था। देखना दोस्तों अब आप अंदर मल्टीप्लाई करें तो आई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देखना अगर आप वन बाई फोर ए का एक में मल्टीप्लाई करेंगे तो वन बाई फोर ए ही हो जाएगा, माइनस का सिंबल लगाएंगे कॉस टू ए एक्स प्लस बी मल्टीप्लाई करेंगे तो वन बाई फोर ए कॉस टू ए एक्स प्लस का बी, और एक कांस्टेंट सी बाहर, इसको आप कांस्टेंट सी लिख लें, ठीक है। आप क्वेश्चन में आपका जो आंसर आ रहा है आंसर वो जानते क्या आ रहा है, आई इज इक्वल्स टू देखो ये टर्म इतना कांस्टेंट है, ये टर्म क्या है कांस्टेंट है, इसको कांस्टेंट के साथ लिख दें। देखो कैसे, ये देखो माइनस का वन बाई फोर आप ऐसे लिखें, यही आपका आंसर है कॉस टू ए एक्स प्लस का बी, आप ऐसे लिख लें। इसके बाद जो ये कांस्टेंट टर्म है, देखो ये कांस्टेंट है, ठीक है, ये कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन में यही मेथड होता है, कांस्टेंट को सी के पास लिखा जाएंगे तो एक दूसरा सी आ जाएगा, देखो ये, तो यही आपका हो जाएगा आंसर, इसीलिए कांस्टेंट लगा। तो कांस्टेंट का बहुत बहुत ही महत्व होता है क्वेश्चंस में, लेकिन जब क्वेश्चंस में कहेगा तो ये कांस्टेंट टर्म था, इसको मैंने सी के साथ लिख दिया, एक दूसरा सी आ गया, और माइनस का वन बाई फोर ए कॉस टू ए एक्स प्लस का भी और प्लस का सी, ये आपका मेरे भाई आंसर हो गया, फाइनल आंसर यही है आपका, ठीक है।
आप अगर यहाँ भी आंसर देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, सब पूरा का पूरा नंबर मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो अगर बुक में आपका ये आंसर आ रहा तो मैंने ये आंसर निकाल दिया, नोट डाउन कर सकते हैं इसे। देखना दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, आराम से देखना। क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों आपका कहता है कि रूट में आपका दिया गया है ए एक्स प्लस का बी, ठीक है। क्वेश्चन तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है लेकिन समझने लायक है। देखो क्वेश्चन 6 हाँ ठीक है, करते क्या है इंटीग्रेशन, लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं, माना आई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा। देखो सबसे पहले जो चीज़ मैं बता रहा हूँ, जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप, आप वही लिखें, क्वेश्चन आराम से सॉल्व होगा, ठीक है। तो एक्स प्लस का बी लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, डी एक्स इंक्लूड रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, इंटीग्रेशन का सिंबल भी लगाएंगे, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। बात आती है कि लेट क्या करें, ए एक्स प्लस का बी कि ए एक्स का लेट करें या बी छोड़ें। तो देखो दोस्त कांस्टेंट को आप छोड़ो ही मत, ठीक है, कांस्टेंट को छोड़ना ही नहीं, उसको साथ में लेकर चलना है। तो बचता क्या ए एक्स बचता है, तो टोटल को टी मान लो, टी इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस का बी, ठीक है, ए एक्स प्लस का बी। देखो टी यहाँ पर माना, वहाँ पर बी माना था, तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ टी थोड़ा सुटेबल पड़ जाता है, ठीक है। तो देखना आप क्या करेंगे, देखो क्योंकि जब आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कांस्टेंट तो जीरो हो जाएगा, कांस्टेंट छोड़ने से क्या मतलब है, ठीक है। तो यहाँ पर डी टी अपॉन में क्या हो जाएगा, एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे डी एक्स हो जाएगा, यहाँ पर ए होगा, एक्स का क्या हो जाएगा वन हो जाएगा, प्लस का बी कितना हो जाएगा जीरो हो जाएगा। देखो अब आपको डी एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ए नीचे हो जाएगा, ए इन टू में वन ए हो जाएगा, इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा डी एक्स हो जाएगा। आइए यहाँ पर देखो क्वेश्चन आपका दिया गया है क्या कि रूट में एक्स प्लस का बी, एक्स प्लस का बी को आपने टी लेट किया था, टी हो गया, अब बस था आपका डी एक्स, डी एक्स को हमने क्या निकाला डी टी अपॉन में ए, तो डी टी अपॉन में ए हो जाएगा। आई इज इक्वल्स टू दोस्तों वन बाई ए आप बाहर ले लें, कॉन्स्टेंट टर्म है, और रूट टी को आप टी की पावर हाफ लिख सकते हैं, बिल्कुल डी टी हो जाएगा। अब आई इज इक्वल्स टू क्या होगा वन बाई ए, जब आप इंटीग्रेट करेंगे देखो फार्मूला वही वाला एक्स की पावर, यानी बहुत बहुत बढ़िया फार्मूला, ठीक है। डी एक्स क्या होता है एक्स की पावर एन, एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन में एन प्लस का वन, देखो तो टी की पावर हाफ प्लस का वन अपॉन में हाफ प्लस का वन, ठीक। आइए तो आई इज इक्वल्स टू दोस्तों वन बाई ए टी की पावर दो एकम दो एक तीन, तीन बटे दो अपॉन में तीन बटे दो। तो आई इज इक्वल्स टू आपका जो फाइनल आंसर आएगा, टी की वैल्यू आप पुट करें, टी की वैल्यू क्या, देखो टी की वैल्यू तो रखी जाएगी लास्ट में, ए एक्स प्लस का बी, ए एक्स प्लस का बी की पावर थ्री बाई टू, और ये जो आपका थ्री बाई टू है जब ऊपर जाएगा तो टू बाई थ्री हो जाएगा, टू बाई थ्री। तो आई इज इक्वल्स टू फाइनल आंसर टू बाई थ्री ए, ए एक्स प्लस का बी की पावर थ्री बाई टू प्लस का सी। आपके आंसर में क्या पता ये इस तरह से दिया गया हो, ये आंसर बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है, ये आंसर बिल्कुल परफेक्ट है। अगर मान लो क्वेश्चन में आपके आंसर में ये आ गया वन बाई थ्री ए रूट, पहले क्या हो जाए, पहले ए एक्स प्लस का बी और रूट में ए एक्स प्लस का बी, तो घबराने की कोई बात नहीं, दोनों बात एक है, ठीक है, दोनों बातें एक ही हैं, क्योंकि वन हो जाएगा इसका हाफ हो जाएगा, दो एक कम दो एक तीन, तीन बटे दो फिर भी आ जाएगा। तो चाहे ये आंसर हो चाहे ये आंसर हो, दोनों को आप सही है नोट डाउन करें। कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई तकलीफ आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, रिप्लाई आपको उसमें से मिल जाएगा, ठीक है, तो इसको आप नोट डाउन करें। देखना दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 है, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, इंपॉर्टेंट, देखो समझने लायक क्वेश्चन है ये, ये क्वेश्चन है एक्स रूट एक्स प्लस का टू, यही क्वेश्चन है, 7 नंबर क्वेश्चन है एक्स रूट एक्स प्लस का टू। देखो कैसे, सबसे पहले आप लेट करेंगे माना, देखो जो चीज़ें आप करते हैं सबसे पहले वो कर लें, आई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन सिंबल लगाएंगे एक्स रूट एक्स प्लस का टू, और यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों बी एक्स हो जाएगा। आप देखो लेट क्या करेंगे, यहाँ पर मैंने आपसे कहा था जो कांस्टेंट इसके साथ जुड़ा सबसे पहले वो आप देखें, ठीक है, क्योंकि अगर आप ये एक्स लेट करते हैं, अगर आप एक्स लेट करेंगे तो काम बनेगा क्या, कुछ दिक्कत हो जाएगा, ठीक है, नहीं बन पाएगा काम। बात कहाँ से बनेगी देखना दोस्तों, अगर आप लेट कर लें t इज इक्वल्स टू एक्स प्लस का टू, समझ लो बात को, अभी समझना, आप लेट कर लें x प्लस का टू, अगर आप डिफ्रेंशिएट करते हैं x के रिस्पेक्ट में, dt अपॉन में dx क्या हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा आपका वन, क्योंकि dx अपॉन में dx हो जाएगा तो वन होता है और कॉन्स्टेंट का जीरो। तो यहाँ से आप देख रहे हैं dt इज इक्वल्स टू क्या हो गया दोस्तों, dx हो गया, dt इज इक्वल्स टू क्या हो गया dx हो गया, बात क्लियर है, यहाँ भी हमको क्लियर है। आइए क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन कहता है
देखो एक्स अभी हमने कुछ नहीं किया, तो एक्स को आप ऐसे ही लिखें। देखो रूट के अंदर क्या लिया, एक्स प्लस टू को हमने टी लेट किया था, टी आप ऐसे लिख दें। फिर बात आती है डी एक्स, तो डी एक्स बराबर क्या हो गया, डी टी हो गया, डी टी हो गया, ये बिल्कुल हो गया आपका। लेकिन दिक्कत यहाँ पर ये आती है मेरे भाई कि हम आप जानते हैं प्रतिस्थापन में सभी को हम टी अगर हम प्रतिस्थापित कर रहे हैं तो अगर एक्स के फॉर्मेटिव हैं तो जो हम लेट कर रहे हैं या टी लेट कर रहे हैं या वी लेट कर रहे हैं तो सारे जो आपके अंदर वाले एलिमेंट जितने बच रहे हैं ये भी टी में होना चाहिए, ये भी टी में होना चाहिए, ये भी टी में होना चाहिए। बात समझ पा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ये एक्स है। तो देखना दोस्तों क्वेश्चन, यहाँ जो आपने लेट किया था यहाँ पर आओ, अगर मैं एक्स की वैल्यू फाइंड करना चाहूँ तो इधर क्या, इधर टी है और ये टू उठ के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का टू। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई मेरे भाई, टी माइनस का टू। ठीक है, तो देखो एक्स की वैल्यू आपको पता चल गई, तो आई बराबर क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की जगह क्या हो जाएगा, टी माइनस का टू, टी माइनस का टू और रूट में क्या हो जाएगा, टी। अब डी टी देखो अब सभी जो आपके हैं सब क्या हो गए, टी के फॉर्मेट में चेंज हो गए, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब आगे आओ, इंटीग्रेशन जो ब्रैकेट के बाहर है उसको अंदर मल्टीप्लाई कराओ, तो टी इंटू में रूट टी हो जाएगा और माइनस का यहाँ पर हो जाएगा टू रूट टी डी टी। ठीक है, बात क्लियर है। आई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर आना, टी की पावर 3/2 इसे लिख सकते हैं। देखो कैसे, आपको मैंने हर क्वेश्चन बताया कि ये टी की पावर 1 है इंटू में टी की पावर रूट को क्या, देखो रूट टी को क्या लिख सकते हैं, टी की पावर हाफ। अगर आप जब आपके नीचे मतलब क्या कहते हैं बेस समान है तो घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। तो देखो क्या हो जाएगा, टी की पावर 1+1/2, तो 2 × 1 = 3, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 की पावर 3/2। तो यहाँ पर क्या हो गया, टी की पावर 3/2 माइनस का 2 इंटू में देखो टी की पावर हाफ लिख सकते हैं, आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा। आगे आना, आप जब इंटीग्रेशन करेंगे टी की पावर 3/2 का तो ये हो जाएगा टी की पावर 5/2, आप कर लेना एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन में एन प्लस वन से। देखो इसको करना, बार बार जोड़ना मत कि एन प्लस वन करें या 3/2 प्लस का वन करें। देखो ऊपर जो हो वो नीचे वाला जोड़ दो, देखो 3 है, नीचे वाला क्या है 2, तो 3 × 2 = 5 और 2/2 लिख दो, अपॉन में वही चीज़ 5/2। नहीं समझ में आया, यहाँ पर आओ टी आप ऐसे लिखो, बार बार चेक ना करना पड़े। देखो 1 है, नीचे क्या 2 है, तो 1 में 2 जोड़ोगे 3 आ जाएगा, तो 3/2 अपॉन में क्या हो जाएगा, 3/2, वही चीज़ हो गया, काम खत्म। ठीक है, तो ये बार बार फॉर्मूले ना लगाया करो, ठीक है, थोड़ा जल्दबाजी में। तो ये क्या हो जाएगा, देखो 2/5 हो गया, आई इज इक्वल्स टू 2/5, टी की वैल्यू क्या है, ये एक्स प्लस टू, तो एक्स प्लस टू की पावर 5/2 माइनस का, देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4/3, टी की वैल्यू क्या है, x+2 की पावर 3/2 प्लस का c। ठीक है, आंसर हो गया आपका, यही आंसर। ठीक है, तो इसको आप नोट डाउन करें, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई तकलीफ कोई प्रॉब्लम तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। देखना दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, कहता है x अंदर है आपका 1+2x². क्वेश्चन आपका यही है दोस्तों, यही क्वेश्चन है, x अंडर रूट 1+2x². आप सबसे पहले क्या करते हैं, लेट करते हैं, माना i इज इक्वल्स टू आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, इंटीग्रेशन ऑफ x रूट के अंदर 1+2x² और क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। आप कहेंगे बिल्कुल हो जाएगा, आप जानते हैं जिसके साथ कांस्टेंट जुड़ा सबसे पहले हम उसी को लगभग क्वेश्चंस में यही करना होता है, जिसके साथ कांस्टेंट जुड़ा उसी को आप टी मान लें। ठीक है, अगर इस टाइप के क्वेश्चंस आपके दिए गए हैं तो देखो टी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1+2x², आप कहेंगे बिल्कुल हो जाएगा। वैसे भी आपको दिख रहा होगा कि अगर यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर है, अगर मान लो केवल केवल एक्स स्क्वायर, देखो कॉन्स्टेंट तो बाहर आ जाएगा, वो कॉन्स्टेंट का अगर डिफ्रेंशिएशन करेंगे 0 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो एक्स की पावर 2 है, अगर आप इसका डिफ्रेंशिएट करते हैं तो 2x हो जाएगा, होगा कि नहीं, और देखो यहाँ पर बाहर x दिख भी रहा है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन को थोड़ा दिमाग लगाया करो, लॉजिक। तो डी टी अपॉन में डी एक्स होगा, 1 का डिफरेंशिएट 0, 2 कांस्टेंट है तो 2 × 2 = 4 हो गया और x हो गया, तो डी टी अपॉन में कितना हो जाएगा दोस्तों, 4x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। इतनी चीज़ें क्लियर हैं, डिफरेंशिएशन बहुत जल्दी से करेंगे। ठीक है, आई इज इक्वल टू देखना, x को हमने कुछ नहीं किया अभी, अंडर रूट इसके अंदर जो था उसको टी लेट कर लिया, dx की वैल्यू कितनी आ गई, dt अपॉन में 4x, x से x कैंसिल लाते हैं, 1/4 बाहर लेते हैं, तो 1/4 बाहर हो गया। इसके बाद क्या बचता है, रूट के अंदर रूट टी, मतलब रूट टी बचता है और डी टी, इसका आप जब समाकलन करेंगे तो टी की पावर 3/2 अपॉन में 3/2 पिछले क्वेश्चन में करके आए हैं, और प्लस का आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा।
आई इज इक्वल टू लेट हो कर लेते हैं, ठीक है। तो आई इज इक्वल टू 1/4 इंटू में देखो 3/2 है तो ऊपर जाएगा 2/3 हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। टी को आपने क्या लेट किया था, 1 + 2x² तो 1 + 2x² की पावर 3/2 और प्लस का सी। यहाँ पर देखना दोस्तों, 2 + 1 = 2, 2 × 2 = 4 तो आई इज इक्वल टू कितना आ गया, 1/3 × 2 = 6 ऊपर 1 बचा, यहाँ पर आ गया आपका 1 + 2x² की पावर 3/2 प्लस का सी। यही आपका दोस्तों फाइनल आंसर है, ठीक है। इसको भी आप नोट डाउन करें, कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाएं। देखना दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि 4x + 2 और ब्रेकेट के अंदर आपका दिया गया है x² + x + 1। देखो थोड़ा सा इसको क्या करते हैं, समझते हैं। देखो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, इम्पॉर्टेंट लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो इम्पॉर्टेंट है, देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले आप वही लिखें जो मैं कहता हूँ, स्टेप वही आप फॉलो करें। माना इज इक्वल्स टू आई इंटीग्रेशन और लेट करते हैं क्या 4x + 2 और जो आपका दिया गया अंदर क्या रूट के x² + x + 1। देखो दिख रहा होगा आपको, दिख रहा होगा। अच्छा अगर मैं आपसे कुछ कहूँ कि आप लेट किसे करेंगे, तो देखो दोस्तों अगर आप 4x + 2 को लेट करते हैं तो बात तो बनेगी नहीं, एक को लेट करें दूसरा वाला आ सकता है कैसे। अगर मैं यहाँ से देखो x² + x + 1 का अगर मैं लेट करता हूँ, फिर मैं डिफ्रेंशिएट करता हूँ दोस्तों, तो यहाँ पर क्या आएगा, 2x + 1 आएगा, 1 तो 0, 2x + 1। तो यहाँ पर 2x + 1 आना भी चाहिए, आप कहेंगे बिल्कुल आना चाहिए। देखो दोस्तों अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन लूँगा तो यहाँ से 2x बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा। बस समझ पाए, आओ देखते हैं। मैं टी लेट करता हूँ, टी इज इक्वल्स टू x² + 1 + x + 1 डिफ्रेंशिएट करते हैं x के रिस्पेक्ट में, तो dt अपॉन में dx क्या होगा, 2x + 1 होगा। मैं अगर dx की वैल्यू फाइंड करना चाहूँ तो dt अपॉन में 2x + 1 होगा जो इक्वल के हो जाएगा dx के, ठीक है। इतनी चीज़ें क्लियर हैं आपको। देखना दोस्तों अगर मैं बात करता हूँ क्वेश्चन की, तो आई इज इक्वल्स टू क्या है, आई इज इक्वल्स टू है 4x + 2 इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक है, समाकलन ऑफ। इसके बाद रूट के अंदर वाला जो टर्म है उसको हमने टी लेट किया, बिल्कुल। डी एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, डी टी अपॉन में 2x + 1, इसको भी यहाँ पे लिख लें, डी टी अपॉन में 2x + 1। अब बात यही आती है कि 2x + 1 नीचे है, ऊपर 4x + 2 है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप कॉमन ले लें, कॉमन तुम्हें नहीं रहना, 2 जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2x + 1, ठीक है दोस्त, 2x + 1 हो गया। देखो नीचे भी 2x + 1 आ गया, कट जाएगा नहीं, बिल्कुल कट जाएगा। फिर यहाँ पर बचता आपका टी, टी को आप ऐसे लिख लें, टी की पावर 1/2 और डी टी अपॉन में 2x + 1। 2x + 1 से 2x + 1 कैंसिल हो जाता है, जो कांस्टेंट है उसको बाहर ले लो, 2 कांस्टेंट मिला हमको, टी की पावर 1/2 dt। इसका जब आप समाकलन करेंगे तो 2 × टी की पावर, देखो 1 है नीचे, 2 है, 2 × 1 = 3, तो 3/2 अपॉन में 3/2 प्लस का सी। ऊपर जाएगा तो 2 × 4/3 टी आपका है x² + x + 2, बिल्कुल। तो ये हो जाएगा आपका x² + x + 2 नहीं + 1 है, और कितना हो जाएगा 3/2 प्लस का सी। लो ये आपका आंसर। जैसे कि एक क्वेश्चन में आपको बताया था कि 3/2 को ये x² + x + 1 और इंटू में √x² + x + 1 दे सकते हैं, तो कोई आंसर जो भी दिया हो वो सही है, ठीक है। ये भी सही है, अगर मान लो वो आंसर देगा तो वो भी सही है, तो इसको भी आप नोट डाउन करें। देखना दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि 1/x - √x, इसका आपको समाकलन करना है, बहुत आसान है क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। देखना दोस्तों जब आप आई इज इक्वल्स टू लेट करते हैं, चलो मान लेते हैं, माना आई इज इक्वल्स टू क्या हो गया, समाकलन ऑफ 1/x - √x dx। अब आपको लगेगा कि इसमें लेट किसे करें, ठीक है, एक्स को या रूट एक्स को या फिर दोनों को, ठीक है। तो बात समझने वाली है, देखना दोस्तों। सबसे पहले देखो कुछ कॉमन मिल रहा है, यहाँ पर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, बिल्कुल मिलेगा,
कैसे, देखो अभी कॉमन आपको दिखने लगेगा। अगर मैं इसको देखो वन में मल्टीप्लाई करा दूँ, डी एक्स ऐसा लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, चलो कोई बात नहीं, वन लिखता हूँ अभी। देखो अगर मैं यहाँ से देखो इसको क्या लिख सकता हूँ, रूट एक्स इंटू में रूट एक्स, एक्स को लिख सकता हूँ, माइनस का रूट एक्स है ये। देखो आप जानते हैं कि टू को हम क्या लिख सकते हैं, टू को लिख सकते हैं रूट टू इंटू में रूट टू, बात एक है कि नहीं रहे थे बताओ। तो इसी प्रकार से अगर एक्स है तो एक्स को रूट एक्स इंटू में एक्स लिख सकते हैं, आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। तो देखो अब आपको कॉमन मिल रहा है रूट एक्स, तो डी वन यहाँ पर डी एक्स आप रहने दें, वन अपॉन में अगर आप रूट एक्स बाहर लेते हैं तो बचेगा आपके पास क्या, रूट एक्स माइनस का वन, बस अब तो काम बन गया। कैसे देखो आप क्या लेंगे, आप रूट एक्स प्लस को वन को टी लेट करो, कैसे देखो टी इज इक्वल्स टू रूट एक्स प्लस का वन, सॉरी माइनस है, माइनस का वन। अगर आप डिफ्रेंशिएट करते हैं, अवकलन करते हैं, तो रूट एक्स का आप जानते हैं वन बाई टू रूट एक्स होता है। अगर आपने डिफ्रेंशिएशन नहीं पढ़ा दोस्तों तो ये कुछ दिक्कत हो जाएगा आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो आप डिफ्रेंशिएशन पढ़ा हुआ है हमारे प्लेलिस्ट में, आप वहाँ से देख सकते हैं, बिल्कुल बेसिक से आपको बताया गया। तो मैं अगर डी एक्स की वैल्यू फाइंड करना चाहूँ दोस्तों, तो टू रूट एक्स डी टी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा। आप कहेंगे बिल्कुल हो जाएगा, देखना दोस्तों आई इज इक्वल्स टू क्या है, डी एक्स वन अपॉन में रूट एक्स है, बिल्कुल है। देखो ब्रेकेट में क्या एक्स प्लस का वन, इसी को हमने टी लेट किया था, तो यहाँ पर टी हो गया, लो टी हो गया। इनटू में डी एक्स की वैल्यू क्या, देखो डी एक्स की वैल्यू यहाँ से टू रूट एक्स डी टी, बिल्कुल रूट एक्स से रूट एक्स कैंसिल हो जाता है। आप टू को बाहर ले सकते हैं, नीचे बसता है आपका क्या कि डी टी अपॉन में टी, यही बसता है। आप जानते हैं कि समाकलन वन बाई टी का क्या होता है या वन बाई एक्स का क्या होता है, लॉग एक्स होता है। तो यहाँ से टू इंटू में लॉग लॉग टी हो जाएगा, मॉड ऑफ टी लिख सकते हैं, लॉग टी हो जाएगा, लॉग टी हो जाएगा। तो टू इंटू में आई बराबर आप लिख लें लॉग टी की वैल्यू क्या है, ये देखो रूट एक्स माइनस का वन और प्लस का सी, यही मेरे भाई आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई इज इक्वल्स टू टू लॉग टी की जगह क्या, टी की वैल्यू रूट एक्स माइनस का वन और प्लस का सी। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही रहेगा। अगर आपको इस क्वेश्चंस में कोई दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई तकलीफ हो, ठीक है, तो कोई परेशानी, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, वहाँ से आपको मैं बताऊँगा क्या दिक्कत करना है। जैसे किसी ने पूछा था कि जो टी मानते हैं यहाँ पर जो टी मानते हैं, क्या मैं वी भी लेट कर सकता हूँ, जी बिल्कुल लेट कर सकते हैं, मैंने पहले भी आपको बताया, तो उसी लिए मैंने पहला क्वेश्चन वी लेट करके बताया, तो क्वेश्चन भी सेम ही आया था आंसर, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आज के लिए बस इतना, अगर आपको ये लेक्चर समझ में आए दोस्तों जरूर शेयर करें, चैनल पर नए चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर डेली नोटिफिकेशन। आई विल मीट यू नेक्स्ट सेशन। जय हिंद मेरे भाई।